चैप्टर है हमारा लोकसभा एवं राज्यसभा और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पीसीएस प्री एंडमेंट एंड अदर बंड एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट के इसमें वीडियो में उसमें क्वेश्चन दे रहे हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए जबकि राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का निर्धारण है। यानी कि लोकसभा में स्थान चुनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है 1/10। भारत के संविधान के अनुसार 103 संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न हो सके तब तक संसद में प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदस्य संख्या की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए, मतलब 10वां भाग न्यूनतम होना चाहिए। सारे सदस्य अगर नहीं आते हैं तो उसका 1/10 जो है भी संसद को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय क्षेत्रों का को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा में 20 स्थान हैं जबकि राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों से 4 स्थान प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल होता है आपातकाल। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 832 के अनुसार लोकसभा में के 5 वर्ष की अवधि को एक आपात की उद्घोषणा पर प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि उद्घोषणा में प्रवर्तन में न रहे तो उसके पश्चात इसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर दी गई है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि 1 वर्ष विशेष के बाद ये पहली जनगणना नहीं होगी। यानी यह वर्ष विशेष है 2026 यानी 2026 के बाद लोकसभा सदस्य की सीटों का पुनः आवंटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 42 हैं और पंजाब में 13 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं और असम में हैं 14। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं यानी वर्ष में 2, मिनिमम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, वो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं, वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की 40 और पश्चिम बंगाल की 42 हैं। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होते हैं या टाई हो। संविधान के अनुच्छेद नंबर 101 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सीटों का विवरण दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11, पश्चिम बंगाल में 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष चयनित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनेगी और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथा स्थिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश में वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसे लोकसभा की समान सीटें प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार और मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पांडिचेरी में 1 सीटें हैं, इनमें प्रत्येक में एक एक सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 में की गई थी और 4 अप्रैल 1957 को पहली लोकसभा भंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी और इनकी 15वीं लोकसभा की अध्यक्षता की थी। इनका कार्यकाल 1 जून 2009 से लेकर 18 मई 2014 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा से निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है 70 लाख रुपये। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और वही लोकसभा का नेता होता है, किंतु यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तब वह लोकसभा का नेता नहीं होगा बल्कि उसके स्थान पर लोकसभा के सदन का नेता किसी वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है। इसका क्षेत्रफल 10.59 वर्ग किलोमीटर है, जबकि देश में लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। लोकसभा सदस्य के पद के लिए अधिकतम लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में कुछ कथन है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है।